नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। तेल की महंगी कीमतों की मार झेल रही देश की जनता को राहत मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से किफायती तेल का आयात करने के लिए भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। इस डील पर मोहर लगती है तो फिर देश में आने वाले महीनों में कीमतों में कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर रूस से 7-6 महीने के तेल सौदे पर बात कर रहे हैं। इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रूसी कंपनी रॉसनेफ्ट भारत और चीन की कंपनियों से आपूर्ति सौदे पर चर्चा कर रही है। भारत की शीघ्र रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्प और भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प की रूसी कंपनी रॉसनेफ्ट के बात हो रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से और अधिक कच्चे तेल का आयात कर रहा है। भारत ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 2 महीनों में रूस से दुगुना से अधिक कच्चा तेल भी खरीदा है। भारतीय और चीनी तेल कंपनियों के साथ रूसी तेल कंपनियों की चर्चा दरअसल रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच हो रही है, जबकि रूसी कच्चे तेल कीमतों में काफी गिर गई है। इस बीच भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए गैर भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधा है। शुक्रवार को पुरी ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्य जितना वेट लगा रहे हैं उतना आधा वेट भाजपा शासित राज्यों में लगाया गया है। पेट्रोल की कीमतों में भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में 15 से 20 रुपए का अंतर है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपए का एक्साइज शुल्क लगाता था, जिसपे कटौती की गई है। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी ली है, अब राज्य को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।